कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लघु भागवतामृत। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रयाग में उनको उपयुक्त जान करके उनके हृदय में उन्होंने सारे सिद्धांत को सारे तत्वों को और समस्त रस को उन्होंने उनके हृदय में प्रकाशित किया, इसलिए उनके हृदय में कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व और रस तत्व, इसलिए उन्होंने विशेष करके ये तीन तत्वों को उनका हृदय में प्रकाशित करवाए, इसलिए उसको आधार करके हमारे श्री रूप गोस्वामी इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे। कैसे एक ग्रंथ है लघुवक भागवतामृतम, जिसको ऊपर में कृष्ण तत्व को जिसको ऊपर में विशेष पूर्वक उन्होंने कृष्ण तत्व को निरूपण किया है। एक है भक्ति तत्व है जिसको आधार करके उन्होंने ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। जब उन्होंने रस तत्व को उन्होंने हृदय में स्थापन किया मन उसको आधार करते हुए उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम उज्ज्वल निर्मल। कहते ये तीनों ग्रंथों को उन्होंने तीन रूप में ये तीनों ग्रंथों को प्रकाशित किया है। ठीक है, तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हो, तुम बोल सकते कि नहीं? वो आनंद मोहिनी दीवान ट्रांसलेशन इंग्लिश इतने भी ही कैन डू। प्रभु डॉक्टर जी आप कर सकते हो? भाई वाह तुम कर लो। ओके ओके क्या ओके आप कर लो। इसलिए हम लोग जितने शास्त्र को ढूंढेंगे सब अच्छे तरह से सुनना, मैं बात में पूछूंगा क्या सुने पहले निताई निताई पूछूंगा निताई है क्या हाँ। इसलिए ऐसे सुनना जैसे सुनने के बाद जो कुछ बता सकते हो। ठीक है, सबको मैं पूछूंगा एक एक कर पूछूंगा। इसलिए हम लोग जितने ग्रंथ अध्ययन करेंगे जितने शास्त्र पढ़ेंगे सारे शास्त्र में तीन ही चीज मिलेगा, एक संबंध तत्व मिलेगा, एक अभिधेय तत्व मिलेगा और एक प्रयोजन तत्व। इससे तीन से चार चीज नहीं मिलेगा। संबंध तत्व मतलब भगवान को साथ में हमारे क्या संबंध है, और जो संबंध तत्व की बहुत जरूरत है। इसी जगत में देख लेना
जब तक लड़का लड़की की शादी नहीं हो जाता है, शादी से पहले लड़की का अगर कहीं शादी के लिए तय करता है, अगर लड़की को पता चले अमुक स्थान पर मेरी शादी होगी, तो ना लड़की का मन वहाँ चल जाता है, शायद उसी लड़के से शादी होगी। लेकिन पता चला उससे भी कोई बढ़िया पैसा कमाता है और एक लड़के के साथ में बात हो रही, देखना लड़की सुनते उसका मन वहाँ चली जाएगी। लेकिन जब तक उसको वेद मंत्र के द्वारा अग्नि को साक्षी करके जब तक उसको पिता लड़की को हाथ में लड़का को हाथ में नहीं दे देते हैं ना, तब तक तो संबंध ज्ञान पक्का नहीं होता। फिर पता चलता है मेरे पति है और इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने कहते जो सारे शास्त्र में हमें जो तीन चीज मिलेगी, संबंध अविध प्रयोजन, इसलिए उन्होंने ये तीनों ग्रंथ में उन्होंने ये तीन चीज को उन्होंने स्थापन किया है। कहते ये लघु भागवतामृत ग्रंथ में उन्होंने संबंध तत्व का स्थापन किया और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में उन्होंने भक्ति तत्व जो साधन है भक्ति उसको उन्होंने स्थापन किया और एक ग्रंथ है उज्ज्वल निर्मणी। कहते ये ग्रंथ में उन्होंने अविधेय तत्व का स्थापन प्रयोजन तत्व का स्थापन किया, हमारा जीवन का लक्ष्य किया। अभी यहाँ प्रश्न होता है श्री रूप गोस्वामी ये लघु भागवतामृत ग्रंथ क्यों लिख, बोले क्यों, बोले इसको पहले श्री सनातन गोस्वामी वो बृहत भागवतामृत ग्रंथ को लिख चुके थे। वो बृहत भागवता ग्रंथ जब पहले लिख चुके थे, फिर उनको फिर ये लघु भागवतामृत ग्रंथ लिखने का क्या जरूरत। तब यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे बड़े भाई तो ऑलरेडी लिख चुके थे, फिर ये ग्रंथ को फिर मैंने क्यों लिखा, कारण क्या है। बोले कारण है ये कलयुग है, ये कलयुग में बताए बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य चुप दुर्गा। ये कलयुग की स्थिति को वर्णना करते हैं, ये जो कलयुग है कहते प्रायण अल्पायुष सभ्य, कलयुग में लोगों का जो परमायु प्राय करके कम, सत्ययुग में देखो 100,000 साल जिंदा रहता, तृतीया युग आ गया 10,000 हो गया, द्वापर युग आ गया हो गया कितना हो गया, हो गया 1,000, कलयुग आ गया कितना हो गया 100, अभी 100 साल भी कोई जिंदा नहीं रहता। अगर कोई 100 साल जिंदा रह गया ना कहते भैया बड़े दिन तक बचे हैं, क्योंकि कलयुग में ये सब चीज़ हाइब्रिड दे करके बनाते हैं, सब मिलावटी, कोई चीज़ आपको प्योर चीज़ नहीं मिलेगा। फिर जो स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी ये सब चीज़ें आ गई, लोगों का अंदर में ब्रह्मचर्य को पालन, यही मूल शरीर का ताकत है ब्रह्मचर्य। पहले गुरुकुल में सबके सब जाते थे, वहाँ पर तो ये इंटरनेट स्मार्टफोन था नहीं, जो गंदी गंदी चीज़ को देख कर बुद्धि खराब हो जाए हैं, ये सब चीज़ तो था ही नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य को ठीक ठीक से लोग पालन करते थे। लेकिन अभी ये सब उल्टा पुल्टा चीज़ें आकर के लोगों का बुद्धि को भ्रष्ट करता है हैं, तो ब्रह्मचर्य संतों का जीवन में भ्रष्ट कर रहा है। ये स्मार्टफोन नहीं, ये साक्षात कली है। अगर ब्रह्मचारियों को भजन करना है, अगर सचमुच से घर छोड़ करके भजन करना आए, जिसको इच्छा है स्मार्टफोन को व्यवहार मत करो। ये एक दिन तुम्हें अपना घर में लेकर के ना रिक्शा चलाया, रिक्शा चलाना और कोई काम नहीं रहेगा, रिक्शा चलाना काम लगा दे। इसलिए अगर हम भक्ति करना चाहते हैं ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी लोग स्मार्टफोन को व्यवहार मत करो, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने देखा कलयुग में जो परमायु है कहते प्राय करके कलयुग में परमायु बहुत कम है, फिर कम फिर अलग अलग शास्त्र है, हैं शास्त्र बहुत सारी शास्त्र है कहते वेद विभिन्ना स्मृत विभिन्ना नासो मुनिर्जस्य मतम न भिन्न, वेद अलग अलग स्मृति शास्त्र अलग अलग, ऐसे कोई ऋषि नहीं जिसका मत ही अलग नहीं हो, हैं मत ही अलग नहीं हो। इसलिए अभी ये कलयुग में जीव अगर पहले कब अगर पहले अगर उनको ये पता चल जाए भैया भगवान है कौन, इसलिए व्यास देव जी
इसलिए असंतुष्ट मन रहा। इसलिए नारद जी बोले अपने जो ग्रंथ लिखा है ना, लोग अगर इसको पढ़ेंगे ना झगड़ा के तौर कुछ नहीं करेंगे। जो शिव पुराण पढ़ लेगा बोलेगा शंकर ही सबसे बड़े, इनसे कोई है ही। जो देवी भाग पुराण पढ़ेगा बोले मैया देवी ही सब कुछ। जो गणेश जी की महिमा बोलेगा भैया सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने देखा ये कम उम्र को अंदर में, कम समय के अंदर में अगर जीव को पता चल जाए जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारी इष्ट है कौन, इष्ट है कौन, अगर ये चीज पता चल जाएगा फिर तो एक इष्ट को उपासना करते हुए फिर तो उधार हो जाएगा। नहीं तो आज ये शंकर जी को, कल मैया देवी को, फिर दुर्गा को, फिर गणेश जी को, हनुमान को पूजा करती रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं काम समय के अंदर में जीव को ये पता चले उनका लक्ष्य क्या है, इनका इष्ट कौन है। अगर ये चीज अगर उनको पता चली जाएगा फिर क्या होगा, एकनिष्ठ होकर के फिर अपना इष्ट को आराधना करेगा, इष्ट को अपना इष्ट को वो पूजा सेवा करेगा, इष्ट को पूजा सेवा करके फिर जल्दी जल्दी कम से कम भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये लघु भागवतामृत ग्रंथ को श्री रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथ उन्होंने वर्णना किया है, लघु भागवतामृत ग्रंथ को। कहते ये ग्रंथ का नाम क्या है, कहते भागवतामृतम। कहते ये ग्रंथ का नाम भागवतामृतम क्यों हुआ ग्रंथ का नाम, तो उसमें कहते हैं, कहते जो अमृत दो तरह का बताया है, कहते कृष्णामृतम और एक भक्तामृतम। कहते ये दो तरह का अमृत है, एक भक्त अमृत है और एक कृष्ण अमृत है। एक भागवत शास्त्र कहते एक, ये कौन है भागवत शास्त्र, कहते ग्रंथ भागवत, और एक भागवत कौन है, ये भक्त भागवत, ये दो भागवत है, हैं। कहते ये दो भागवत है, कहते जो दो भागवत का इसका व्युत्पत्ति अर्थ किया, इसका मूल अर्थ किया है, तब रूप गोस्वामी कहते हैं बोले भगवत कृष्ण से इदम अमृतम। कहते जिसमें भगवत कृष्ण से इदम अमृतम, जिसमें भगवत कृष्ण की जिसमें अमृत है उसका नाम भागवतामृतम है। कहते भागवता नाम इदम अमृतम भक्तामृतम। कहते एक भक्तामृतम मतलब जिसमें भक्तों का कथा है और जिसमें भागवत की, जिसमें भक्त का और भगवान की कथा अमृत है, दो अमृत है। अभी यहाँ पर कहते हैं, कहते यहाँ यहाँ पर कहते स्थापक सिद्धांत समूह प्रमाण में प्रतिष्ठित करा जन ग्रंथ भागवत पूरा परिभाष बोला गया है विश्व। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते विशेष करके हम जिसको उपासना करेंगे, हमारी जो उपास्य वस्तु है पहले स्थिर होनी चाहिए ना। हम कृष्ण को उपासना करें ना, राम को उपासना करें ना, नरसिंह देव को उपासना करे ना, नारायण को उपासना करे, अभी हमारी उपास्य वस्तु है कौन, हमारी उपास्य वस्तु कौन है, पहले इसको तस्थिर करना पड़ेगा ना। एक समय हमारे मंदिर में एक कोई नया भक्त था, उसने बोला गुरुदेव मेरा तो कुछ नहीं हुआ। बोले कितना दिन रहा मंदिर में, बोले 2-3 साल तो होगी कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ गुरुदेव किया कुछ नहीं हुआ। बोले बताओ तो तुमने इतना दिन में क्या सीखा, बोले एक चीज तो सीखे आ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, इतना बात तो सीख गया। बोले तुमने सब कुछ सीख गया, सब कुछ सीख गया। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव ने जब वेदांत सूत्र को उन्होंने स्थापित ग्रंथ लिखा, उपनिषद ये सब ग्रंथों को मेरे गुरुदेव ने प्रकाशित किया, जिसने इसका एडिटर कर रहा था वो संस्कृत विद्यालय का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, सबसे उसी समय में इतने बड़े विद्वान उसके बराबर कोई नहीं थे। उनसे उन्होंने सारे प्रूफ रीडिंग करवाया। लेकिन एक दिन गुरुदेव ने पूछा पंडित जी अपने क्या समझा है, बोले माँ दुर्गा ही सब कुछ। बोले माँ दुर्गा ही सब कुछ। गुरुदेव कहते थे इतने शास्त्र पढ़ करके एडिटिंग करके वो कहता है मैया दुर्गा ही सब कुछ है और जगत में सबसे बड़ी होगी।
इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भ्रमित है। हमें उपास्य कौन होनी चाहिए, इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर तू इतने समझ गया कृष्ण ही हमारे उपास्य है, समझो सारे वेद पुराण इतिहास को तुमने पढ़ लिया, सारे पढ़ पढ़ाई तुम्हारी हो गई, इतने अगर चीज को कोई समझ गया तो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम जिसको उपासना करेंगे हमारी उपास्य वस्तु कौन होनी चाहिए हैं, पहले ये। दूसरे नंबर है हम जो उपासना करेंगे कैसे उपासना करेंगे। रस भी तो सात रस है, सात बारह रस है, पांच गौण रस और सात गौण रस और पांच मुख्य रस है। मुख्य रस में भी जो पांच जो मुख्य रस है शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये पांच मुख्य रस है। अब ये पांच मुख्य रस में हम लोग किस रस को द्वारा भगवान को उपासना करें, शांत रस से करें ना दास्य रस ना सख्य ना वात्सल्य ना मधुर, कौन रस को द्वारा हम भगवान की उपासना करें। इसलिए ये दो चीज हमारे अंदर में स्थिर होनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये दो ग्रंथों को लिखे हैं जिसको द्वारा हैं, जिसको द्वारा इनको जल्दी से जल्दी इनको पता चले उपासना करनी किसको चाहिए और जो उपासना करती हैं किस रूप में उनको उपासना करनी चाहिए, वो दो चीज हमारे हृदय में एकदम स्पष्ट रूप में बैठ जानी चाहिए। फिर तो भैया तुम्हारा रास्ता साफ है। अगर ये दो चीजें अगर तुम्हारे हृदय में स्थिर नहीं हुआ ना, तुम्हारी भजन साधन सब बेकार है। फिर इधर से उधर चल जाओगे, इधर से उधर चल जाओगे, वो बात को सुनकर भैया ये तो सही कह रहे हैं, फिर उधर घुस जाओगे। अगर और कहीं गए ना कोई बात को थोड़ा सुन लिया, हाँ ये तो सही कह रहा है। इसलिए श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस, जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ विश्वास। इसलिए जो सिद्धांत है ना इसको ऊपर में कहते हैं अलसता नहीं करनी चाहिए। क्यों? जिसको द्वारा भगवान की प्रति तुम्हारी जो मन है वो स्थिर रूप में मन तुम्हारी बैठ जाए, इसलिए इसमें डामाडोल नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोले तीन तरह का वैष्णव है, और क्या क्या बताओ कौन बोलेगा तीन तरह का वैष्णव क्या क्या बोलो, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, बोलो उसका क्या क्या लक्षण है, बोलो कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, हाँ हाँ जिनकी श्रद्धा श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा जिसको डामाडोल सा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर भागता रहता है, इसमें किसका मन कोई स्थिर नहीं। और जो मध्यम भक्त क्या है बोलो, हाँ इसलिए कहते हो अपना साधन भजन को तो ठीक से कर लेता है, अपना साधन भजन को तो ठीक से कर लेता है लेकिन दूसरों को ठीक ठीक से वो समझा नहीं पाता है दूसरों को, लेकिन अपना साधन भजन को वो ठीक से कर लेता है। और उत्तम क्या है, उत्तम भक्तों का क्या लक्षण है, हाँ शास्त्र युक्ति को द्वारा भी सुनिपुण है, स्वयं भी शास्त्र युक्ति से सुनिपुण है और दूसरों को भी सिद्धांत तत्व को द्वारा दूसरों को भी जो समझा सकता है, कहते ये उत्तम वैष्णव है, हाँ ये उत्तम वैष्णव है। इसलिए हमें पहले अपना सिद्धांत तत्व हमें एकदम पक्की होनी चाहिए। इसलिए श्री भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज कहा करते थे बोले कौन किसका भक्ति कितना परिपक्व है, वो कहते थे जिसकी संप्रदाय की है, जिस संप्रदाय में जिसको ये संप्रदाय विचार जिसको जितने अच्छे तरह से ये संप्रदाय विचार में प्रतिष्ठित है, ये संप्रदाय के विचार में ये तो उसका भक्ति उतना ही पुष्ट है। अगर संप्रदाय का विचार में अगर हमारी प्रवेश नहीं है कहते भैया उसका भक्ति भी पुष्ट नहीं। इसलिए हमारी अपना संप्रदाय का प्रति बामन गोस्वामी महाराज कहते एकदम दृढ़ होनी चाहिए, इधर उधर भागोगे भक्ति भक्ति नहीं होएगा, भगने पर भगड़ो होकर के भक्त रह जाओगे। इधर उधर कब भागेंगे, कभी भागेंगे जब अपना सिद्धांत को हम पक्के रूप में नहीं समझते हैं, तब हम इधर उधर भागते रहेंगे। इसलिए हमें भैया इधर उधर नहीं भागनी,
चाहिए, एकदम अच्छे तरह से पक्के रहो हैं, अपना सिद्धांत को, अपना तत्व को बहुत अच्छे तरह से, अपना सांप्रदायिक विचार को बहुत अच्छे तरह से समझनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कह रहे हैं भैया हमारे इष्ट इष्ट कौन और हम साधन कैसे करेंगे, ये दो विषय पर हमारी पक्की होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। इसीलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथों को, कहते रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथों को रचना किया, जो इसी हमारी संप्रदाय में जो आए उनका जो भक्ति है एकदम परिपक्व भक्ति हो, डामाडोल भक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ, अभी यहाँ पर कहते हैं, कहते शास्त्र जनित्वाद, ये ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है, क्या नाम है, शास्त्र जनित्वाद। शास्त्र जनित्वाद मतलब क्या है, कहते जब हम किसी चीज को बोलेंगे ऐसे नहीं तुम्हारे मन में जो आया तुमने बोल पड़ा, नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब राय रामानंद को प्रश्न किया, कह राय साध्य निर्णय, जीवन का लक्ष्य किया है, तो उन्होंने बंगला प्यार में बोले स्वधर्म आचरण कृष्ण भक्ति है। जब अपना स्वधर्म को आचरण करता है कृष्ण भक्ति होता है, बोले कोई प्रमाण है कि नहीं, कोई श्लोक है क्या पुराण में, कोई श्लोक है कि नहीं, ये बंगला प्यार नहीं चलेगा, बताओ शास्त्र में श्लोक कहाँ पर है। तब उन्होंने जब श्लोक विष्णु आराध्य पंथा नान्य तत्व सदा है, जब उन्होंने जब उन्होंने श्लोक को बोले, बोले ठीक है ये श्लोक। इसलिए महाप्रभु का विचार है, अच्छे तरह समझो, महाप्रभु का विचार है जब कोई बात बताओ सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब कोई प्रमाण दे हो, कहते पुराण वचन से शास्त्र से ही युक्ति युक्त दे करके बताओ। इसने मैंने बोला वृंदावन में बड़े बड़े रसिक जिधर बहुत लोग भाग रहे हैं, जो एकादशी व्रत खुद नहीं करते, एकादशी व्रत नहीं करते हैं, भगवान की प्रसाद में तुलसी नहीं देते हैं, कहते नहीं जो तुलसी ठाकुर का चरण में देंगे वो तुलसी खाने में कैसे दे सकते हैं, एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, जन्माष्टमी नहीं रखते हैं, रामनवमी नहीं रखते हैं, नृसिंह चतुर्दशी नहीं रखते, बड़ा रसिक, सबको गोपी बना देते हैं, सबको गोपी कपड़ा पहना करके हैं, लड़का लड़कियाँ को गोपी कपड़ा पहन कर गोपी, हम सब गोपी गोपी हो गए तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ये सब भ्रष्टाचार है, ये सब भ्रष्टाचार, एक नंबर भ्रष्टाचार है। इसलिए जिसको तोताराम एक हुए वो कहते हैं आउल बाउल नेड़ा नेड़ी सखी दरबेसाय, कहते जो तेर अपसंप्रदाय मैंने गिनाया उसमें एक सहजिया, क्या नाम, अच्छे तरह से समझो, एक का नाम होता है सहजिया, सहजिया मतलब क्या चीज को समझ लो, सहजिया मतलब होता है जिस प्रेम को पाने के लिए ब्रह्मा स्वयं पत्थर जन्म भी ब्रज में, वो पत्थर जन्म के लिए भी तरसते हैं ब्रज का बाहर, ब्रजवासियों को शंकर जिस गोपी प्रेम को पाने के लिए शंकर स्वयं ब्रह्मा कुंड में स्नान करके उन्होंने गोपी मूर्ति धारण किया, लेकिन गोपियों से निकाल दिया वहां से, पहले रूप धारण करने से नहीं होता है, और देवदेव महादेव योगी योगी महायोगी जो सत्यम शिवम सुंदर उद्धव जैसे व्यक्ति जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं हे उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो उतना प्रिय मेरे कोई नहीं है, मेरे भाई नहीं, मेरे पत्नी नहीं, मेरे बलदेव प्रभु, मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, इतना प्रिय तुम मेरे हो है, इतना प्रिय तुम मेरे हो। ऐसे जो उद्धव भी जहाँ पर गुल्म लता औषधि वृक्ष रूप में प्रार्थना के लिए तपस्या करते हैं, स्वयं लक्ष्मी भी अभी भी बैठ करके बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, जो प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं, और तुम दो दिन प्रभुपाद कहते थे, अच्छे तरह से चीज को समझो, प्रभुपाद कहते थे शौच क्रिया को बाद में जिसको मिट्टी हाथ करना नहीं आते कितना बार हाथ में मिट्टी लगानी चाहिए, इचोड़ पाका प्रभुपाद का ये शब्द है। सहजिया भाई सहजिया इचोड़ पाका, इचोड़ पाका समझते हो, इचोड़ पाका मतलब होता है ये बंगला शब्द है, इचोड़ मतलब होता है जो कटहल, कटहल
जब पक जाए ना पुष्ट होकर को खाने का लायक रहता है, लेकिन अधकचड़ जैसे अवस्था में अगर इसको पका दिया तो वो कुछ भी नहीं होता, कच्चे में भी खा नहीं सकते, पकने पर भी नहीं खा सकते। इसलिए प्रभु चांद जिनको कुछ भी पता नहीं दो दिन का, हाँ उसको पहना दिया, कौन सा पीला कपड़ा पहना दिया उसको, गोपी बनाकर मटका मटकर चल दो भ्रष्ट नहीं। इसलिए तोताराम कहते हैं कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग मत करो, अगर तुम भक्ति पाना चाहते हो ऐसे असत संग से दूर रहो। ये दो दिन के लिए आते हैं, तीन दिन में कहाँ चल जाते हैं, क्योंकि एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। जो आर्टिफिशियल होता है ना, आप देख लेना, जो आर्टिफिशियल सोना वो सोने से भी ज़्यादा चमकता है, देखेगी नहीं, समझता कि नहीं, सोने से भी ज़्यादा चमकती है, लेकिन वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। जो सोने है ना, जो सोने हैं वो इतना चमक नहीं, पर भी वो सही है, क्योंकि वो परमानेंट रहेगा। इसलिए ऐसे कुछ लोग हैं जो कि लोगों को भ्रमित करते हुए लोगों को उल्टा रास्ता पर ले जाते, क्यों सिद्धांत नहीं जाते। इसलिए कुछ गौड़ीय वैष्णव भी चले, अरे जहाँ पर महाप्रभु की आदेश को पालने नहीं, जहाँ पर हमारे जहाँ पर ये एकादशी व्रत नहीं, रामनवमी, जन्माष्टमी नहीं, नृसिंह चतुर्थी कुछ भी नहीं, जहाँ पर संपूर्ण वैष्णव धर्म का विरोध, तिलक लगाने पर थोड़ी हो गया, तिलक लगा दिया वैष्णव का, लेकिन करते हो क्या, सारे जो शास्त्र में वैष्णव का जो रूल रेगुलेशन को पालन नहीं, बात दो दिन गोपी बन गए मटका मटकर चलते हो, ये सब भ्रष्ट है, ये सबके सब भ्रष्ट सबके सब है। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथों को इसलिए उन्होंने रचना किए, रूप गोस्वामी भैया पहले अपना संबंध तत्व को, रस है ठीक है, लेकिन रस जो है ना, इसलिए रूप गोस्वामी सारे बात वैद्य भक्ति किया, राग भक्ति किया, रागानुगा भक्ति किया, इसका डेफिनेशन किया है, इसका लक्षण किया है, ये रूप गोस्वामी ने सब चीज को रूप गोस्वामी ने दिए हैं, ये सब चीज को रूप गोस्वामी लक्षण बताए। भाव आएगा दो दिन में, भाव आएगा तुम्हारे दो दिन तो आए तो भाव आ गया तुम्हारे, भाव का लक्षण बताए, नौ तरह का लक्षण होनी चाहिए, क्या क्या बताओ क्या लक्षण, शांतिर अव्यर्थ कालतम विरक्ति मान सुन्नता आशा बंद समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत् गुणाख्याने प्रीति तद वशस स्थल इत्या भवान हृदय शिवजन। इसलिए कहते हैं उनके अंदर में ये ना लक्षण की जरूरत है, एक भी कोई लक्षण नहीं, भाव आ गए, आपसे आंसू आ गए, हाँ भले आंखों से आंसू आ रहे हैं, भले देखो आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं, आंसू क्यों आ रहे हैं, ये चीज को तो देखो। देखो एक समय गुरु जी कथा सुनाते थे एक वक्ता कथा कर रहा था, उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी थी, एक माताजी सामने बैठ कर कथा सुन रही थी, बाबा खूब कथा सुन रहे थे, माताजी तो खूब रो रहे थे, रोती जाए। जब कथा विश्राम हो गया, संत ने पूछा माताजी मेरी कथा में ऐसे कौन सा कथा तुम्हें बढ़िया लगा, तू जो इतना रो रही थी। बोले बाबा मेरी एक बकरी थी, आपका जैसे दाढ़ी है ना, आपका जैसे दाढ़ी और बकरी की बात ऐसे दाढ़ी थी, आप जो ऐसे ऐसे करते ना वो बकरी भी ऐसे ऐसे करती थी, और आप जब ऐसे ऐसे करते हो उसको देख करके हमारी बकरी की याद आता है, इसलिए बकरी की याद आता तो मैं रो रही थी। भैया ये दो पैसा का रोना नहीं है, दो पैसा की रोना नहीं। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भाव का लक्षण किया, साधन का लक्षण किया, प्रेम का लक्षण किया। इसलिए उन्होंने एक एक श्लोक को दे करके, रूप गोस्वामी ने उन्हें एक एक श्लोक दिया है, और एक एक श्लोक को दे करके रूप गोस्वामी ने वहाँ पर वर्णन किया। इसलिए हमारे संप्रदाय के लिए रूप गोस्वामी का जो देन है, बहुत बड़ा देन है, रूप गोस्वामी की बहुत बड़ी देन है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ये ग्रंथों को रचना किया है। भैया अब पहले अपना इष्ट को स्थिर करो, तुम्हारे इष्ट कौन है, किसको भजन कर रहे हो, वो कृष्ण कौन है, और दूसरी चीज क्या है बोलो, एक इष्ट कौन और दूसरी चीज क्या हुआ, बोलो 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 ठीक से, कौन बोले
बोलो हाँ हाँ। अब जो भक्ति कर रहे हो किस रस से और कैसे भक्ति करोगे, इसलिए उन्होंने दो चीज को उन्होंने इसी ग्रंथ में ये दो चीज को पूर्ण रूप में अच्छे तरह से उन्होंने बताया। इसलिए हमारी इष्ट कौन है, हमारी इष्ट श्री ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज सस्तनय सद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वरदी न जा कल्पिता। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान, बोला ब्रज सस्तनय, हमारे आराध्य कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हमारा आराध्य है। कौन सा कृष्ण है, वृंदावन बिहारी कृष्ण, मथुरे से नहीं और द्वारकाधीश कृष्ण हमारी आराध्य नहीं। अभी हम कहीं गए थे तब हमने बोल दिया कृष्ण तीन, बोले हमने सुना कृष्ण एक तीन कहाँ से आ गए, वो कथा के बाद में आए, बोले बाबा हम तो जीवन में नई चीज सुना, बोले किया, बोले तो हमें सुन करके आए कृष्ण एक, आप तो कृष्ण तीन को बना दिया, ये तीन कृष्ण कहाँ से आ गए, ये नई बात कहाँ से बोल रहे, वो बड़े भ्रमित हो गए। फिर हमने समझाया कृष्ण तीन कैसे, पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम कैसे, कृष्ण कौन सा अवस्था में, पर समझाया तो बोले बाबा मैं तो यही सोच रहा था आप कृष्ण को भी तीन कर दिए, हम यहाँ कृष्ण एक ही कृष्ण है। हाँ इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी ने आराध्य भगवान ब्रज सस्तनय, हमारे आराध्य कौन है, वृंदावन कृष्ण हमारी आराध्य है, हैं आराध्य। तब यहाँ पर कहते हैं भैया कृष्ण शब्द कभी नृसिंह देव के लिए भी कृष्ण शब्द आया, इसलिए जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा बताओ तो तुमने गुरु गृह में जाकर तुमने क्या पढ़ा है, विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या पढ़े, वो क्या कहते हैं, कहते मतीर्ण कृष्ण पर तो सतबा, जब बोले क्या ये संधा मर्ग ने तुम्हारी बुद्धि को ऐसे कर दिया, बोले मतीर्ण कृष्ण, वहां पर भी कृष्ण शब्द आता है, परस्व सतबा मिथ्वा विपदेत गृह व्रतानाम, वहां पर भी उन्होंने कृष्ण शब्द प्रयोग किया है। लेकिन जो कृष्ण शब्द जो प्रयोग है, कहते वास्तव रूप में कृष्ण शब्द किसके लिए प्रयोग है, बोले जसोदायाम स्तनम ध्याये, जो मैया जसोदा की स्तन को तो ध्यान करने वाले, जो मैया जसोदा का दूध पीने वाले जो कृष्ण हैं वो कृष्ण हैं। लेकिन उसी कृष्ण में भी हमारी जो कृष्ण कौन है, कहते ब्रज वधु वरदीन जा कल्पिता, ब्रज गोपियों ने जैसे आराधना की है उनकी जैसे आराधना हमारी ये सर्वश्रेष्ठ आराधना। इसलिए कहते इसी ग्रंथ में इन्होंने ये दो चीज को इसी ग्रंथ में उन्होंने स्थापन करते हैं ये ग्रंथ में। इसलिए कहते हैं शास्त्र जनित्वात, शास्त्र जनित्वात का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बोलेंगे शास्त्र से बाहर कोई बात नहीं करे, मैं कह रहा हूं नहीं, तुम बोलने वाले कौन होता है, तुम बोलने वाले कौन होते हो, तुम क्या कह रहे हो, तेरा कथा की क्या मतलब है, लेकिन गीता में क्या कह रहे हैं बताओ ना, भागवत में क्या, हमारे वेद में पुराण में उपनिषद में क्या बताए, वो बात बताओ, मैं कह रहा हूँ तुमको बोलने वाले कौन है, तो नहीं मैं नहीं, बकरी मैं करता इसलिए मरता है, इसलिए मैं छोड़ देनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, हमारी शास्त्र क्या कहता है। इसलिए कहते जो शास्त्र ही मूल प्रमाण, शास्त्र ही हमारी मूल प्रमाण है, इसलिए शब्द प्रमाण ही श्रेष्ठता, बोले तर्कम अप्रतिष्ठानाथ, जो तर्क है, अगर कोई सोचेगा अरे हम बहुत इंटेलिजेंट है बुद्धिमान, हम बुद्धि देकर समझ जाएंगे, बुद्धि से समझ जाएंगे, इसलिए भैया तर्क अप्रतिष्ठानाथ, तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। बताओ पेड़ पहले हुआ ना बीज पहले हुआ, बताओ पहले क्या हुआ, पहले बीज हुआ ना पेड़ हुआ, अरे बताओ बीज हुआ ना पहले पेड़, बोलो बीज हुआ ना, लेकिन बीज आया कहाँ से, पेड़ से, बोले पेड़ आया कहाँ से, बीज। इसलिए कहते जो जो तर्क वितर्क है ना, अगर कोई सोचे हम बहुत, इसलिए कहते ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, इसलिए बुद्धि से सुनने से नहीं होता है, इसलिए भैया तर्क से, तर्क को तरह किसी चीज को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हो। इसलिए सकल प्रमाण देव पुराण वचन, सब सब जगह में पुराण वचन को
वहाँ पर प्रमाणिक रूप में पुराण वचनों को ही देनी चाहिए। इसलिए कहते अनुमान आदि नहीं, कहते अनुमान जो प्रमाण वो भी प्रमाण नहीं है, है? इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। अभी प्रश्न है हम किसको भक्ति करनी चाहिए, हमारे इष्ट कौन? बोले कृष्ण, जिसको भागवत में हमारे श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती युगे युगे, है? इसलिए जिस समय श्री सुत गोस्वामी ने भगवान की 26 अवतार को वर्णना किया है, वो वर्णना करते करते बीच में भी उन्होंने कृष्ण नाम को ले लेते हैं। जब कृष्ण नाम को ले लेते हैं सुत गोस्वामी, इतने में देखा भैया हमें तो गड़बड़ी कर दी। बोले क्यों? बोले मैंने भगवान के अवतारों का नाम लेते लेते मैंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी, कृष्ण अवतारी। जैसे एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आपका घर में कोई उत्सव हो रहा है, लेकिन वो उत्सव में आप सबको निमंत्रण दिया, लेकिन उसमें अपने योगी को भी निमंत्रण दे दिया, योगी जी हमारी भंडा उत्सव में आना। लेकिन अभी जिस पंक्ति में सब दुनिया लोग बैठ करके जिस पंक्ति में भोजन कर रहे थे, लेकिन योगी आया लेकिन इनके ध्यान नहीं रहा, वो भी उसी लाइन में बैठ कर भोजन करने लगे। लेकिन बाद में जो मालिक बस में बस, इसलिए बाद में जिसको घर में वो उत्सव था, अगर बाद में अगर ध्यान अगर उसका आता है, अरे ये योगी भी आए, मुख्यमंत्री भी आए और कहाँ पर बैठ गए, या आम व्यक्ति पर क्या कर गए, भैया आप यहाँ आपका स्थान यहाँ नहीं, आओ पर सबसे ऊंचा स्थान देगा, है ना, ऊंचा स्थान देकर उसको बैठाएगा। बोले भैया देखो ये हमारी उत्तर प्रदेश का ये मुख्यमंत्री है, कौन है? योगी। कहते उसी तरह जब श्री सुत गोस्वामी ने इन्होंने सारे अवतारों का नाम तो ले रहा था, लेते लेते उन्होंने कृष्ण का नाम अवतार ले लिया, ले करके तो डर गए, बोले भैया हम तो गड़बड़ कर दिया, ये कृष्ण को भी अवतार बोल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रत्न सिंहासन लाया और रत्न सिंहासन ला करके उन्होंने सबको सामने लगाया और उन्होंने श्री कृष्ण को वहाँ पर सबसे ऊँचा सिंहासन में बैठाया, बैठा करके सबके सामने उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, बोले इतने चांस कला पुंस, अभी तक मैंने जिन जीनियों का नाम लिया था कोई कृष्ण का अंश और कोई अंश का अंश कला, लेकिन ये जो कृष्ण है ये कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है, है? ये स्वयं भगवान। इसके लिए श्री रूप गोस्वामी इसके लिए उदाहरण देते हैं, देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं ये जो स्वयं, इस स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं कहते हैं किसको? तो उन्होंने बोले स्वयं रूपम अनन्न पेखम जद रूपम स्वयं रूप सवुचते, इसलिए स्वयं रूप उसे कहते हैं अनन्न पेखम जद रूपम, जो रूप कभी दूसरों के ऊपर में निर्भर नहीं करता है, जो स्वयं परिपूर्ण। इसलिए श्री जीव गोस्वामी हरिनामृत व्याकरण ग्रंथ में बताए, उन्होंने जैसे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होता है ना, दो वर्ण होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसलिए स्वर वर्ण का नाम रखा इनका नाम सर्वेश्वर और व्यंजन वर्ण का नाम रखा विष्णुजन। देखो उन्होंने कैसे कितने बढ़िया बात उन्होंने बताया, स्वर वर्ण का नाम क्या रखा ये सर्वेश्वर और विष्णु वर्ण का ये व्यंजन वर्ण का नाम क्या रखा, अरे बोलो विष्णुजन, ऐसे क्यों नाम रखा? देखो क्या उन्होंने क्या फिलोसफी उन्होंने जीव गोस्वामी ने दिया। तब जीव गोस्वामी बोले जैसे जब आ उच्चारण करते हो देखना उसमें और कोई अक्षर नहीं आता है, आ आप देखना कोई अक्षर नहीं आता है, ई उ री ली ए आई ओ औ, उसमें कोई अक्षर को लाया नहीं, लेकिन क बोले ना आ के बगैर क नहीं आता है, ख आ के बगैर ख नहीं उच्चारण होता है, ग आ के बगैर घ नहीं उच्चारण होता है, घ आ के बगैर घर नीचे उच्चारण नहीं होता है, लेकिन जब आ बोलते हैं ई ऊ बोलते हो उसमें फिर कोई अक्षर को किसको को मत लेता है,
नहीं लेता है वो स्वयं, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, इसका नाम सर्वेश्वर नाम दिया। सर्वेश्वर मतलब सबका जो ईश्वर है, सबका जो ईश्वर है वो सर्वेश्वर नाम तो दिया, लेकिन जो क ख ग घ इसका नाम क्या दिया, अरे बोलो क्या नाम दिया, तुम इतना दिन तो भूल जाते हो, विष्णुजन। विष्णुजन नाम क्यों दिया, विष्णुजन मतलब वैष्णव, वैष्णव कहते हैं किसको, बोले गृहीत विष्णु दीक्षा तो विष्णु भुजा वर्णर, विष्णुजन उसे कहते भक्त। हम किसका आश्रय लिया, कृष्ण का आश्रय लिया, जो विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है, हैं विष्णु मंत्र में जो दीक्षित है उनको विष्णुजन नाम बताया। इसलिए जो वैष्णव है वो हर समय में भगवान की अधीन में रहता है, लेकिन जो भगवान है वो तो सर्वेश्वर है। इसलिए यहाँ पर कहते स्वयं रूप किसको कहते हैं, कहते स्वयं रूप ऐसे कहते बोल अनन्य पेख्यम जद रूपम स्वयं रूप सोचते, उसको स्वयं रूप कहते हैं जो बिना किसी के मदद लिए जो स्वयं उचारित होते, जो स्वयं है, बोले वो कौन है, बोले कृष्ण, ये कृष्ण है, ये स्वयं रूप। इसलिए और उदाहरण दिया है, जैसे एक, अब देखो जैसे एक संख्या बोलो है ना, जो एक संख्या है आप देखना किसी संख्या का मदद नहीं लेता है, लेकिन जब दो बोलो देखना एक एक मिलकर तब दो होगा, जब तीन बोलो दो एक मिलकर के तीन होगा, जब चार बोलो दो दो मिलकर चार ही होगा, देखो तीन एक मिलकर के चार ही होगा, देखो एक 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 करके कितना क्या होगा, और चार ही होगा, होगा ना चार ही होगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे एक संख्या वो किसी संख्या के आश्रय लिए बगैर, जैसे एक संख्या पूर्ण है उसी तरह जो कृष्ण है, ये कौन है कृष्ण, ये पूर्ण है, ये किसी की मदद नहीं लेते, इसलिए उन्होंने पूर्ण है। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते और जितने रूप है जैसे नारायण है, जैसे नरसिंह देव है, जैसे बराह देव है, जैसे ये सब जितने अवतार है, लेकिन वो किसके अधीन है, कहते ये भगवान कृष्ण के सब सब अधीन है, ये सब के सब कृष्ण का ही अधीन, लेकिन जो कृष्ण है वो किसके अधीन नहीं। इसलिए एक श्लोक यहाँ पर रूप गोस्वामी एक श्लोक यहाँ पर उद्धृत क्रिया है, बोले संतावतार बहव पुष्कर नावश्य सर्वोत भद्रा कृष्णादन्य को बालता स्वपी प्रेमोदव भवती। तब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की बहुत सारी, क्या तुम जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मंडन कर रहे लेकिन राज अभी घर में बात कर, कितना दिन लगे चले जाओ, आज कल जाएंगे लेकर आज सुन कर इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते संतावतार बहव पुष्कर नावश्य, कहते भगवान की बहुत अवतार है, कहते जितने अवतार है सब 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 मंगलमय अवतार, ठाकुर का सारे अवतार मतलब मंगल भवन अमंगलहरि, सारे अवतार भगवान की मंगलमय है, लेकिन कृष्णा दन्न कोबा लता सोपी प्रमोदो भगवत, कहते कृष्ण के बगैर ऐसे कोई क्या अवतार हुए हैं जो लता पताओं को भी प्रेम प्रदान किया, कोई ऐसे अवतार क्या हुए हैं, बोले कोई अवतार नहीं हुआ जो लता पताओं को कोई प्रेम प्रदान किया। जब उन्होंने ये बात बताई तब श्री रूप गोस्वामी फिर उन्होंने और एक उन्होंने तर्क दिया, बोले आप कह रहे हो लता पताओं को क्या कभी प्रेम दिया है, लेकिन क्या दिए हैं, बोले भगवान राम भी दिए हैं, क्योंकि जिस समय भगवान राम वनवास जा रहे थे, वनवास जाते समय भगवान की विरह में, भगवान की विरह में ये लता पता भी रोने लग गए, लता पता भी रोने लग गए थे, कभी यहाँ दिखाई पड़ता है ये हुए लता पता को भी उन्होंने प्रेम दिया है, आप कहते दिए ही नहीं गए। तब उन्होंने फिर से रूप गोस्वामी कहते हैं हाँ ये जो भगवान राम ये विरह में लता पताओं को प्रेम दिया ये रोए, लेकिन कृष्ण का दिखाई पड़ता है जो इनका तो केवल विरह में प्रेम दिया, लेकिन यहाँ पर कहते जो मिलन में भी प्रेम श्री
कृष्ण मिलन अभी भी प्रेम दिया है, ये तो विरह में दिया लेकिन मिलन अभी भी उन्होंने प्रेम दिया। बोले कहाँ पर प्रेम दिया? तो उन्होंने कहते श्री बलदेव विद्याभीषण प्रभु ने कहते त्रैलोक सौभाग्य मिदम निरीक्ष रूपम जत गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान विभ्रम। तो भागवत से उन्होंने उदाहरण दिया है कहते जहाँ पर मिलन में भी जिनका रूप को देख करके क्या बोले द्विज मत पक्षी पेड़ कहते मृग वो लोग भी पुलकित हो जाते, वो भी पुलकित हो जाते थे। कहते ये मिलन में भी इन्होंने प्रेम दिया है लेकिन कहा बोले राम केवल उन्होंने विरह में प्रेम दिया, इन्होंने मिलन में भी प्रेम दिया है, हैं? तब कहते हैं बोले प्रणत भार पिटपा मधुधारा प्रेम स्प्रितो न विभुस्म। इसलिए जब भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते थे, वृंदावन में प्रवेश करते ही कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे वो बंसी ध्वनि सुन करके कहते वृक्ष सभी मधुधारा बहने लग जाता, वृक्ष सभी मधुधारा बहक था। इसलिए रामचंद्र तो विरह में प्रेम दिया, कृष्ण उन्होंने विरह मिलन दोनों अवस्था में उन्होंने प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है। कहते अमजद लावन इसके यहाँ पर फिर उन्होंने उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दिया जैसे जय विजय। कहते ये जय विजय ने जब चतुसन वैकुंठ में गए, वैकुंठ जाते समय ये जिस समय उनको अंदर में प्रवेश करने नहीं दिए कौन जय विजय चतुसन को, तब उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। जब उन्होंने अभिशाप दे दिया अभी अभिशाप को प्राप्त करते हुए फिर वो क्या बन कर क्या है? पहले जीवन में क्या बने? अरे बोलो पहले जीवन में क्या बने? हिरणा के हिरण के सब इनको कौन मारे? बिपिन बैठो इधर कथा सुन लो फिर घर में। इसलिए उनको पहले कौन मारे? उनको कौन मारे? अरे बोलो बराह भगवान माने मारे और श्री नरसिंह मारे। लेकिन मारने पर भी इनकी उधार नहीं हुआ है, उधार नहीं हुआ। मारे तो नरसिंह देव बराह देव लेकिन वो उनको उधार नहीं हुआ। मतलब क्यों उधार नहीं हुआ? कारण है उनको प्रति उनको जो भगवान है वो विश्वास नहीं हुआ। जब नृसिंह देव प्रकट हुए उनको लगा ये कोई अद्भुत कोई एक जानवर है, आधा नर आधा सिंह, ये कोई अद्भुत कोई एक जानवर है। उनको भगवत बुद्धि उनके प्रति नहीं हुई है। जिस समय भगवान बराह देव रूप में प्रकट हुए आप भागवत पढ़ोगे तो देखोगे जब युद्ध होने जा रहे था जिस समय हिरण्यकश्यप ने इतने पराक्रमी बना हिरण्यकश्यप, उन्होंने स्वर्ग चला गया कुबेर के पास में, बोला आओ मेरे साथ में युद्ध कर लो। बोले भैया हम बूढ़े हो गए हैं, हाँ अगर तुम्हारी कोई समक्ष के योद्धा है ना जाओ। बोले कहाँ पर जाओ? समक्ष के योद्धा योद्धा मिलेगा एक भगवान, ये पृथ्वी रसातल में चली गई, वो रसातल से पृथ्वी को वो उद्धार कर रहे हैं, वो पृथ्वी को उद्धार कर रहे हैं, वहाँ पर जाओ वही तुम्हारी जो तुम्हारी बाहों में जो खुजलाहट मच रहा है ना, खुजलाहट मच रहा है वो खुजली को वही शांत करेंगे। इतने में हिरण्य कैसे आए, जब आए इतने में देखा भगवान बराह अवतार में पृथ्वी को उत्तोलन कर रहे थे, उसको देख करके कहा पृथ्वी को उठा रहे हैं लेकिन देखो इसका बुद्धि कैसे, कितना बड़ा पृथ्वी है, दांत अग्र में ये पृथ्वी को उठाना कोई साधारण बात है। लेकिन उनको देख करके वो कह रहा है हिरणाख्य, हिरणाख्य कह रहा है अरे ये तो ग्राम सुअर है, ये सुअर से क्या युद्ध करेंगे, ये सुअर क्या युद्ध करेंगे, सुअर के साथ भगवान बराह अवतार लिया था, बोले ये सुअर से क्या युद्ध करेंगे। भगवान बोले रुक जा रुक जा, अब ये पृथ्वी को धूरी पर स्थापन करता हूँ, था जितने तेरे खुजलाहट आज ना सब मिटा दूंगा। भगवान ने फिर भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को वो धूरी पर स्थापन किया, स्थापन करते हुए फिर उनके साथ में युद्ध हुआ। लेकिन इतना बलवान सचमुच से हिरण्यकश्यप इतना बलवान था, भगवान को ऐसे मारा भगवान के हाथ से गधा ही निकल गया, हाथ से गधा ही गिर गया। सारे देवता लोग देख रहे थे, हाहाकार मच गई, हे भगवान भगवान के हाथ से गधा, ये जब गधा भगवान के हाथ से गधा छूट गई ना, इतने में भगवान भी लज्जित हो गए। हिरण्यकश्यप बोले क्या
उठाओ गदा को युद्ध करो। लज्जा क्यों, शर्म क्यों कर रहे हो? वीर हो, उठाओ गदा, युद्ध करो हमारे साथ में, हमारे साथ में युद्ध करो। फिर जब युद्ध किया भगवान ने, ठीक शाम का समय पर उसको कान के ऊपर देवता लोग बोले, प्रभु जितना रात होती जाएगी ना इनके अंदर में ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, राक्षस में जल्दी जल्दी इसको उद्धार करो। बस भगवान गद्दा घुमा घुमा कर मारे कान के ऊपर में जोर से मारे कान में, बस वहीं पर कौन हिरण्यकश्यप ने वहीं पर हिरण आके वहीं पर लुढ़क पड़ा। लेकिन वो भगवान के हाथ से मरे, लेकिन भगवान को क्या समझा कि ग्राम सुअर है, ये कि सुअर है भगवान को, इसलिए उनको उद्धार नहीं हुआ है, इनके उद्धार नहीं हुए हैं। फिर उन्होंने दूसरे में क्या बन करके आए, रावण और कुंभकर्ण। रामायण देखे हो, कौन कौन देखे रामायण, सब देखे हो रामायण? अब देख लेना, जिस समय लक्ष्मण ने को साथ मेघनाद की युद्ध हुई, देखे कि नहीं, लास्ट युद्ध जब हुई मेघनाद ने जो अंतिम अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, जिसका कोई काट नहीं, ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, तो ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को पास में गया और उनने वहीं पर तेज नहीं हो गया, अंदर ध्यान हो गया। फिर दूसरे उनने पाशुपत अस्त्र को मारे, ये पाशुपत अस्त्र भी वो तेज नहीं होकर चला गया। अंतिम जो सर्व जिसका कोई तोड़ नहीं, उन्होंने नारायण अस्त्र सुदर्शन चक्र को उन्होंने मारे, लेकिन चक्र ने क्या किया, उनको परिक्रमा किया, परिक्रमा करते करते कहीं उजाला हो गया, उजाला हो गया, मेघनाथ को विश्वास हो गया ये नर नहीं ये नारायण है, ये कौन है, ये नारायण, ये नर नहीं नारायण है। फिर उन्होंने आया, आकर बोले पिताश्री, इतने पिताजी आए, बोले क्या बात है, बोले क्या बात है, बोले ये सीता की मोह परित्याग, ये लक्ष्मण नर नहीं ये नारायण। लेकिन रावण क्या बोले, बोले तू भ्रमित हो गया, दो बंड में घूमने वाले दो छोकरे हैं, क्या दो छोकरे हैं, ये भगवान हो गए दो छोकरे, लगता है तेरी बुद्धि मारी गई। बोले मेरी बुद्धि नहीं मारी गई, मेरा अनुभूति है, मैंने जो अंतिम जो तीन जो अस्त्र था, मैंने वो तीन अस्त्र को मैंने प्रयोग किया है, वो तीनों ही वहां से अंतर ध्यान हो गए, मेरे को विश्वास हो गया ये नर नहीं नारायण है, ये नर नहीं नारायण। बोले इसलिए तो पिताजी को बोलने के लिए आ गया है, इतना देख करके भी तब भी उसको भगवान के प्रति विश्वास नहीं हुआ, भगवत बुद्धि नहीं हुआ है। और जिंदगी भर बोलते रहे जो ने जंगल में घूमने वाले दो छोकरे हैं, नहीं दो छोकरे हैं, लास्ट में क्या हुआ, वो भी मरा, दोनों मरे, लेकिन तब भी प्रभु राम का प्रति इनकी भगवत बुद्धि नहीं हुई, इसलिए फिर उन्होंने आए क्या बन करके, शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। लेकिन जब शिशुपाल दंतवक्र बन करके आए तो उनको भगवान का प्रति भगवत बुद्धि हुई, क्योंकि जो भगवान का जो जो वाहन है ना ये गरुड़ है, गरुड़ की वाहन, भगवान गरुड़ के ऊपर नारायण बैठते हैं ना, इसलिए उन्होंने गरुड़ के ऊपर बैठे हुए देखे। फिर उनका कमलाक्ष देखा, उनकी आँख देखे, इसको देख करके उनको विश्वास हुआ ये कौन है, ये भगवान। एक तो भगवान बुद्धि, फिर दूसरे चीज ये है, कहते यद्यपि ये दूसरे दूसरे जो अवतार है इनको हाथ में मरने पर भी जो मोक्ष दायिका, मतलब जिनको हाथ से मरने पर जीव को दूसरे दूसरे हाथ में मरने पर तो उनको सदगत मिलती हैं, लेकिन क्या मिलती है उनको, साजू जो मुक्ति मिलती है, लेकिन जो पूर्ण रूप में उनको जो गति है वो केवल कृष्ण हाथ से मरने पर। जैसे पुतना को मारे, कौन सा गति दिया पुतना, वृंदावन में मर करके कोई मुक्ति नहीं, उनको साल उनको गोलोक वृंदावन में धाई मैया की गति मिली, जमला अर्जुन वृक्ष को उन्होंने तोड़े क्या दिया, मधुकंठ और सिद्धकंठ बन करके गोलोक वृंदावन में दोनों टाइम सवेरे शाम को हरि कथा का गान करते हैं। इसलिए ये कृष्ण ऐसे है, यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते मुख्य मुख्य जनी का जो मनोरंजन का, कहते कृष्ण का अंदर में ये पूर्ण रूप में परिपूर्ण रूप में अभिव्यंजन का अंदर, इसलिए इनका अंदर जो रूप माधुर्य जो नाम माधुर्य भगवान की, ये विशेष इनके दो माधुर्य जो रूप माधुरी व्यंग माधुरी उनको प्रेम माधुर्य जो जो चार माधुर्य है ये कृष्ण के अंदर में परिपूर्ण मात्रा में कृष्ण अंदर में ये सब सारी चीज़ है, ये कृष्ण के अंदर में।
और किसी के अंदर ये परिपूर्ण मात्रा में नहीं है। इसलिए लास्ट में इनको अंदर मर करके उनकी उनका मुक्ति मिली है। हाँ, हतारी गतिदाय, हाँ, जो हतारी गतिदाय दूसरों के अंदर में तो है, लेकिन जो परिपूर्ण रूप में ये कृष्ण के अंदर में ही, ये परिपूर्ण रूप में दूसरों के अंदर में है होने पर भी परिपूर्ण रूप में नहीं है। इसलिए कहते कृष्ण का जो विग्रह है असमताय तो असमर्थ रूपम, इसलिए उद्धव जी कहते हैं जन्मर्त लील पैकम, उसके बाद में योग माया बलम दर्शयताम गृहताम विस्पापन स्वस्य च सौभ गर्भे परम पद भूषणा भूषणाम। कृष्ण के अंदर में जो रूप है उद्धव जी कहते हैं, कहते उनका जो रूप है, कहते जो रूप विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध करने वाले, और कृष्ण भी जो अपना रूप देखकर कृष्ण भी स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, कृष्ण का इतना रूप है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, कहते जिन रूप को प्राप्त करने के लिए हैं, कृष्ण रूप को प्राप्त करने के लिए, कहते लक्ष्मी तक भी अभी भी बेलवन में लक्ष्मी बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, बिहार कमान सुचिर धृत व्रता, सारे वैकुंठ का आनंद को सुख को छोड़ करके अभी भी लक्ष्मी बैठ कर कठोर तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी भी तपस्या कर रहे हैं। फिर कहते लक्ष्मी की बात छोड़ दो, जिनको पाने के लिए कहते हैं, कहते जो नारायण भी कृष्ण देखने में इतने सुंदर है, नारायण भी कृष्ण रूप को देखने में चोरी किया, द्वारका में बच्चों को चोरी किया, एक भी चोरी बच्चे जन्म लेते तो मर जाते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन रहते समय जब उन्होंने बच्चा मरा कृष्ण को सामने पटक दिया, बोली अधर्मी राजा है, इसकी वजह से हमारे बच्चे मरते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया इस बार तेरे बच्चे को मैं बचाऊंगा, बोले तू क्या बचाऊंगा कीड़े, जहाँ पर कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्भुज बैठे जब बचा नहीं सके, तू क्या बचाओगे, बोले मैं अर्जुन, मैं कृष्ण नहीं है, अगर मैं बचा नहीं पाएगा तो प्राण का त्याग दूंगा, लेकिन लास्ट में अर्जुन भी बचा नहीं पाए। हर समय तो मरकर के शरीर रहता था, उस समय में पूरा शरीर समेत अंतर ध्यान हो गया, फिर तो ब्राह्मण इतने गाली गलन किया, फिर अर्जुन बैठ कर ध्यान में देखा कहीं नहीं मिला, जब शरीर को त्याग देने जा रहा था कृष्ण उनको लेकर के भगवान नारायण के पास में गए, नारायण बोले प्रभु आपका ये रूप का दर्शन करने के लिए मैंने बच्चों को चोरी किया, आप इतने सुंदर हो, नारायण भी बोले नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव को, जो वसुदेव नंदन जो कृष्ण हैं, जो नंदन कृष्ण के रूप देख करके वसुदेव नंदन जो कृष्ण उनका हृदय भोग हो जाता है, बोले वसुदेव नंदन की बात छोड़ दो, ब्रज का नंदन कृष्ण जब अपना रूप को पिलर में प्रतिबिंब अपना मूर्ति को देखते हैं स्वयं कृष्ण पागल हो जाते, बोले इतने सुंदर ये कौन है, ये कौन है इतने सुंदर, बोलो कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण हैं। इसलिए कहते कृष्ण रूप को साथ में किसकी हम बराबर कर ही नहीं सकते, इसलिए हमारे इष्ट कौन है, अरे बोलो कृष्ण इष्ट कौन है, हाँ चंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हमारे कृष्ण हैं, यही हमारी आराध्य देव है। इसलिए अगर दूसरे दिन सुनेंगे क्या सुनेंगे, भगवान को कैसे आराधना करनी चाहिए, और यहाँ पर बताए कृष्ण लीला, रूप गोस्वामी कहते कृष्ण जगत में जो प्रकट हुए हैं, कृष्ण क्यों जगत में प्रकट हुए हैं, प्रकट होने का कारण क्या, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कृष्ण क्यों प्रकट, ठीक है बिता गौर ब्रह्मानंद, कल एकादशी है, ठीक है कोई अन्न नहीं रखना खाना, कोई कल एकादशी, अरे होगा तो कल हम लोग, कल एकादशी है, कल वृंदावन, अगर बारिश नहीं हुई ना हम सबरे वृंदावन परिक्रमा करेंगे, ठीक है एकादशी का पहला दिन सब भक्तों को बोल देना मंगल आरती के बाद में हम सब परिक्रमा करेंगे।